नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। सुदर्शन टीवी का शो बिंदास बोल, इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शो के एपिसोड्स अपमानजनक थे और इनमें सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की संभावना थी। भले ही केंद्र ने शो के कंटेंट को अपमानजनक माना, लेकिन इस पर बैन लगाने की मंशा नहीं दिखाई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र का कहना है कि चैनल इस शो के बाकी एपिसोड प्रसारित कर सकता है, लेकिन उनमें बदलाव करके। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट सौंपा, उसमें 4 नवंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पास हुए एक ऑर्डर का रेफरेंस दिया। इस ऑर्डर में कहा गया है, इस केस के सारे फैक्ट्स और परिस्थितियों की जांच करने के बाद और ब्रॉडकास्टर के मौलिक अधिकारों की बैलेंसिंग के बाद, सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी देने का फैसला किया गया है। ये निर्देश दिया गया है कि अगर भविष्य में प्रोग्राम कोड का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। दरअसल बिंदास बोल शो के प्रोमो में सुरेश चव्हाणके ने यूपीएससी जिहाद और नौकरशाही जिहाद का पर्दाफाश करने का दावा किया था। 4 एपिसोड्स टेलीकास्ट होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने सुनवाई करते हुए शो के बाकी एपिसोड्स के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। बेंच ने कहा था कि शुरुआत में यही नजर आ रहा है कि कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है। 26 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा था कि वो मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखेंगे। फिर अब 18 नवंबर को मंत्रालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, वो आदेश जो 4 नवंबर को जारी किया गया था। 4 नवंबर के आदेश में कहा गया है कि राय ये है कि भले ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन टेलीकास्ट हुए एपिसोड्स की टोन और तत्व यही संकेत देते हैं कि चैनल ने विभिन्न कथनों और ऑडियो विजुअल कंटेंट के जरिए प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है। आदेश में आगे कहा गया है कि मंत्रालय ने चैनल के इस तर्क पर ध्यान दिया है कि प्रोग्राम की सेंट्रल थीम एक विशेष समुदाय नहीं बल्कि भारत के ज़कात फाउंडेशन की गतिविधियां हैं। हालांकि मंत्रालय ने आगे कहा, चैनल ने जिस तरह से इन सबका प्रदर्शन किया, जिनमें सिलेक्शन प्रोसेस पर कमेंट्स, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिस्टम सब शामिल हैं, इससे एक विशेष समुदाय और यूपीएससी को खराब नजरिए से दिखाया गया। चैनल बहुत अच्छी तरह से इस कटुता और ऐसे वीडियो को इग्नोर कर सकता था जो शिष्ट नहीं थे। मंत्रालय ने चैनल से कहा कि वो बिंदास बोल के आगे के एपिसोड्स को कॉन्टेंट का रिव्यू करें। उन्हें एपिसोड्स के कंटेंट में बदलाव करने के निर्देश भी दिए गए हैं, खासतौर पर ऐसे कंटेंट का जो शिष्ट नहीं है, जो धर्म या समुदाय पर हमला करते हैं या सांप्रदायिक नजरिए को बढ़ावा देते हैं, या अपमानजनक हो, गलत हो या आधे गलत हो, या ऐसे हो जिनमें हिंसा को बढ़ावा मिले, या लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो, या एंटी नेशनल नजरिए को प्रमोट करते हो, किसी निश्चित ग्रुप या किसी व्यक्ति की आलोचना हो, उसे बदनाम करते हो, ऐसे विजुअल्स या शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो जो किसी जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों पर निंदक, विडंबनापूर्ण और अपमानजनक रवैया रखते हो। ये विवाद शुरू हुआ था अगस्त से, जब सुदर्शन टीवी ने अपने शो बिंदास बोल का प्रोमो टेलीकास्ट किया था। प्रोमो में चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके इस बात पर सवाल खड़ा करते दिख रहे थे कि IAS IPS एग्जाम को क्लियर करने वालों में अचानक से मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या कैसे बढ़ गई। यह आरोप लगाया कि ज़कात फाउंडेशन, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स को UPSC एग्जाम क्लियर करने में मदद कर रहा है, उसे एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से फंड मिल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शो के प्रसारण पर रोक लगा दी थी, लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसे प्रसारित करने की परमिशन दे दी। इसके बाद शो के 4 एपिसोड्स प्रसारित किए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और बाकी एपिसोड्स के प्रसारण पर रोक लगाई गई। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाई थी लालिमा, मेरा नाम प्रतीक्षा है, शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।